11 तारीख 3 बजे मुलुक ज़िले का येटूर नागारम शहर में हमारा तेलंगाना जनशक्ति के ओर से और वहाँ की जो आदिवासी संगठन है और दूसरा जो भी संगठन है इन दोनों की मदद से हमारा एक मीटिंग हो रहा है। और ये मीटिंग जो वहाँ पोडू कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ जो फॉरेस्ट लैंड्स में सालों से वहाँ ज़िंदगी जो गुजार रहे, ऐसे किसान के रक्षा के लिए हम ये मीटिंग कल के दिन हमारा येटूर नागारम में होने वाला है। और ये मीटिंग खासकर लोग आना और इसको जीत दिलाना, यही हमारा गुजारिश है। एक चीज़ हम सब लोगों को ये मौके पे बताना चाहता है, हम एक आज के दिन में पूरा यहाँ की जितने भी हमारा असेंबली हो और दूसरी जो कानूनी और जो दस्तूर ने कायम किया, ऐसा हर इंस्टीट्यूशन पूरा गिरते हुए हमारा सामने नज़र में आ रहा। अभी असेंबली का कोई इसका कोई माना भी नहीं है और असेंबली से अभी जितने भी जीत कर आए सारे के सारे अभी पार्टी इन पावर टीआरएस में चले जा रहे हैं अपोजिशन में। इसके वजह से बात करने के लिए हमारे सामने कोई फोरम बचा ही नहीं है। ये मौके में ये मीटिंग का एक इसका इम्पॉर्टेंस है, इसी के ज़रिए हमारा आवाज़ उठा सकते, पहुंचा सकते लोगों तक, इसीलिए हमारा मीटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी मौसम बारिश का मौसम आने वाला है और अभी यहाँ पे ज़राइत शुरू होने वाला है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कानून के खिलाफ सब ज़मीन अपने काबू में ले आने के लिए कोशिश कर रहे। कानून के खिलाफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो और रेवेन्यू एक्ट्स हो, इसके खिलाफ पूरा ज़मीन अब खींच कर फॉरेस्ट में मिला रहे। और ये काम जो होता है इसको अपने जगह को बचाने के लिए और वहाँ कल्टीवेशन को रोकने के लिए ट्रेंचेस बनाते हैं और ये ट्रेंचेस के वजह से कोई आगे नहीं जा सकते। 3-3 फीट वो विड्थ रहता उसका, तो ऐसे माहौल में आदिवासी हो और जो जंगल की ज़मीन में कई सालों से वही ज़िंदगी गुजार रहे नानी आदिवासी भी हो, इन सब लोगों के हक की पाबंदी के लिए हमारा मीटिंग हो रहा। और ये मीटिंग में XMP विवेक साहब और मुलुक की MLA सीतक्का और भद्राचलम की MLA कोदम वीरय साहब भी आके वहाँ बात करेंगे, बहुत सारे वहाँ की संगठन की लीडर्स भी आके बात करेंगे। हमारा सब लोगों की यही विनती है, सब लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे, कामयाब दिलाइए आप सब लोग आके। यही एक हमारा रास्ता मिल गया, रह गया है, बच गया है और ये मीटिंग हम सब मिलकर इसको अच्छी ढंग से चलाएंगे।